हेलो क्लास, आज का हमारा टॉपिक है डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रिमेडियल टीचिंग, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। सबसे पहले हम इसकी मीनिंग जान लेते हैं। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है निदान करना, टू फाइंड आउट प्रॉब्लम यानी समस्या का पता लगाना, और रिमेडियल टीचिंग का मतलब होता है उपचारात्मक शिक्षण। सबसे पहले हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से जानते हैं। जैसे कोई पेशेंट है, रोगी है, वो अपने डॉक्टर्स के पास में जाता है तो डॉक्टर उसका सबसे पहले डायग्नोस करता है यानी उसका टेस्ट करता है, उसकी प्रॉब्लम को जानता है, प्रॉब्लम फाइंड करता है और उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट करता है। ऐसे ही एक टीचर अपने छात्र को पढ़ाने के बाद में उनकी समस्याओं को पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। अब मान लिया कि आप एक टीचर हैं और आपने किसी क्लास के बच्चे को कुछ टॉपिक जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन आपने पढ़ाया। कुछ दिनों के बाद में आपने एक टेस्ट रख दिया ये जानने के लिए कि जो कुछ भी आपने पढ़ाया है वो बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया। अब आप क्या करेंगे कि एक टेस्ट के माध्यम से आपने एक मार्क्स रख दिया 50 नंबर्स का, और उसमें ये कंडीशन रख दिया कि जो 30% से कम नंबर पाएंगे या 30 नंबर से कम मार्क्स गेन करेंगे उनका डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाएगा, या वो इस कैटेगरी में आएंगे कि जिनका डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाएगा। ये चीज़ करने के बाद आपको पता चला कि क्लास में 3-4 बच्चे ऐसे हैं जिनको समस्या है, अब वो एडिशन नहीं कर पा रहे हैं। आपके पढ़ाने के बाद में भी बच्चों को समस्या है कि वो एडिशन नहीं कर पा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये जानने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले निदान करेंगे, तुरंत उनको सिखाएंगे नहीं, सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे कि बच्चे को मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, वो गुणा क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या उसको टेबल नहीं याद है या वो प्रोसेस को बार बार भूल जा रहा है, समस्या कहाँ पर हो रही है, और डायग्नोस्टिक टेस्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि एक टीचर होने के नाते आपने जो पढ़ाया वो बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया। ऐसा तो नहीं है कि आपको अपनी टीचिंग मेथड बदलने की ज़रूरत है, और एक बच्चे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को अपना परफॉर्मेंस इससे पता चलता है कि जो टीचर ने पढ़ाया क्या वो इस चीज़ को पूरी तरह से लर्न कर पाया कि नहीं। और जब ये पता हम लगा लेते हैं तो इसके बाद में रिमेडियल टीचिंग देते हैं। रिमेडियल टीचिंग का मतलब होता है कि हम बच्चे की अलग से क्लास लेते हैं, कुछ नई टीचिंग मेथड बदलते हैं, फिर उसके बाद में कुछ उसको एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं, नया तरीका बताते हैं सीखने का, नया पैटर्न उसके ऊपर फॉलो करते हैं, नई नई चीज़ों के माध्यम से हम उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। अब यहाँ पर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब जानने की कोशिश अगर करें तो इट इज अ प्रोसेस टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर द लर्नर्स कमिट्स मिस्टेक, यानी एक प्रोसेस है प्रॉब्लम्स को, मिस्टेक्स को पहचान करने का। इट इज क्रूशियल स्टेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वेयर यू हैव टू डायग्नोस एंड प्रिपेयर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल फॉर रिमेडियल टीचिंग टू इंश्योर द डिजायर क्वालिटी ऑफ लर्निंग, यानी एक ये टीचिंग लर्निंग का क्रूशियल स्टेज है, ये जानने के लिए, डायग्नोस करने के लिए या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है टू फाइंड द प्रॉब्लम, और समस्या को जानने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट करने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम सिर्फ अपने पढ़ाए हुए टॉपिक के बारे में बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी हमने पढ़ाया, हमने सिखाया, क्या बच्चा पूरी तरह से सीख पाया कि नहीं सीख पाया, क्योंकि एक क्लास में सभी बच्चे एक ही बुद्धि के नहीं होते हैं, सबका बुद्धि लेवल अलग अलग होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ भी आपने पढ़ाया है वो सारे बच्चों को लर्न हो जाए, इसलिए अपनी
पढ़ाई हुई चीज़ों की जानने के लिए बच्चों का डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। फोर स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव डायग्नोस्टिक टेस्ट, कुछ चार स्टेप्स हैं इसके, वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट्स, उन बच्चों की पहचान करेंगे जिनका डायग्नोस्टिक टेस्ट करना है। एनालाइज द मिस्टेक, कहाँ पर मिस्टेक हुआ उनसे उनका एनालाइज करेंगे। डिस्कवर द रीजन, कारणों की खोज करेंगे। प्रोवाइडिंग रिमेडियल टीचिंग, और फिर उसके बाद में उनको रिमेडियल टीचिंग देंगे। इन द डायग्नोस्टिक टेस्टिंग फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड, यानी कुछ बातों को ध्यान देने की ज़रूरत है। हु आर द पीपल, स्टूडेंट्स हु नीड हेल्प, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको डायग्नोस्टिक टेस्ट की ज़रूरत है। वेयर आर द एरर लोकेटेड, प्रॉब्लम कहाँ पर हुई। वाई डिड द एरर अकर, और समस्या क्यों हुई, इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट करने से पहले ये चीज़ें हमको जाननी चाहिए। हाउ टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट, नैदानिक परीक्षण के लिए छात्रों की पहचान कैसे करें, मतलब हम कैसे जानेंगे कि इस बच्चे का डायग्नोस्टिक टेस्ट करना है। तो कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, खराब स्मृति, धीरे धीरे सीखने और जल्दी भूलने की आदत, यानी ऐसे बच्चे जिनकी मेमोरी पुअर है, हैबिट्स ऑफ लर्निंग स्लोली है और जल्दी उनकी भूलने की आदत है, तो ऐसे बच्चों का जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सीखने की प्रेरणा की कमी, लैक ऑफ लर्निंग मोटिवेशन, आत्मविश्वास की कमी, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सूचना को प्रभावी ढंग से समझने में असफल रहना, नवीनता और रचनात्मकता की कमी, लैक ऑफ ओरिजिनिटी एंड क्रिएशन, समस्या हल करने या गंभीर रूप से सोचने के लिए विश्लेषण करने में असमर्थ, छोटे वाक, व्याकरण की गलतियाँ, गलत वर्तनी यानी स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हैं, ग्रामेटिकली एरर कर सकते हैं, कम ध्यान देना, शॉर्ट अटेंशन और एकाग्रता अवधि में कमी, कंसंट्रेशन में उनकी कमी रहती है। तो अगर ऐसे किसी बच्चे में ये लक्षण पाए जाते हैं तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उन बच्चों को डायग्नोस टेस्ट करने की ज़रूरत है। नैदानिक परीक्षण के उपयोग, यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसमें क्या करेंगे, छात्रों की ताकत और कमजोरियों को जानने में, यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट की यूज क्या हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी। तो पहला पॉइंट है, छात्रों की ताकत और कमजोरियों को जानने में डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से हम जान सकते हैं कि बच्चे की कहाँ वीकनेस है या कहाँ पर वो स्ट्रांग है। शिक्षार्थी की क्षमताओं के अनुसार कार्य प्रणाली और पाठ्यक्रम तैयार करने में, यानी जिस स्टैंडर्ड का बच्चा है, जैसी उसकी मेमोरी लेवल है, जिसकी उसकी इंटेलिजेंसी है, उस लेवल का हम एक पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं। ऐसे परीक्षण उन बच्चों को योग्यता और कठिनाइयों की जानकारी के लिए उपयोगी होती है। इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स हैं। अब आते हैं हम रिमेडियल टीचिंग पर। अब जब हमने बच्चे की प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लिया, समस्या का निदान कर लिया, पता लगा लिया कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम है, उसको समझने में समस्या है, कि उसको लिखने में समस्या है, कि वो पैटर्न को भूल जा रहा है, ये सारी चीज़ों का डायग्नोस करने के बाद में अब हम एज ए टीचर उसका रिमेडियल टीचिंग करेंगे, यानी उसका उपचार करेंगे। उसमें कुछ पॉइंट्स आता है, इट इज अ प्रोसेस टू प्रोवाइडिंग हेल्प एंड रिमेडीज टू द स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग प्रॉब्लम इन एनी सब्जेक्ट एरिया सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यानी एक प्रोसेस है ऐसे बच्चों के लिए जो कि किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं किसी सब्जेक्ट में या किसी एरिया में, जिनको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, तो ऐसे बच्चों के लिए कौन सी टीचिंग की जाती है, रिमेडियल टीचिंग दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, आइडेंटिफाई द लर्निंग गैप एंड प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा सपोर्ट इज कॉल्ड रिमेडियल टीचिंग, यानी उनको बच्चों को एक्स्ट्रा सपोर्ट देना, उनको सिखाना, ये सारी चीज़ें रिमेडियल टीचिंग के अंतर्गत आती हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड करेक्टिव टीचिंग, और ये एक करेक्टिव टीचिंग के नाम से भी जाना जाता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिमेडियल टीचिंग, अगर इसकी करेक्टरिस्टिक्स समझाने तो पहला पॉइंट है इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग, यानी आप किस बच्चे को व्यक्तिगत किसी रूप से भी बच्चे को जो है टीचिंग दे सकते हैं, रिमेडियल टीचिंग दे सकते हैं। ग्रुप टीचिंग, ग्रुप में भी टीचिंग दे सकते हैं। वन स्किल वन टाइम, और एक बार में एक ही स्किल बच्चे को बताया जाए। डिवाइडेड द लेसन इनटू पार्ट्स, और जो कुछ भी बच्चे को सिखाना है उस लेसन को आप कई छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके ही बच्चे को सिखाएं। जब आप उसको कई सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे तो बच्चा उस चीज़ को आसानी से सीख जाएगा, लेकिन अगर पूरे लेसन को एक साथ सिखाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि दोबारा प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़े। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिमेडियल टीचिंग,
इसमें उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य को जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है छात्रों के संदेह को समय पर हल करना। दूसरा पॉइंट है शिक्षण के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल करना, यानी इसका जो उद्देश्य है ऑब्जेक्टिव से रिमेडियल टीचिंग का वो ये है कि अगर छात्रों का कोई भी संदेह है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको हम हल करवाएंगे, शिक्षण के दौरान जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको सॉल्व कराएंगे। छात्रों के बीच अच्छी प्रवृत्ति को विकसित करना, यानी उनके अंदर एक अच्छी प्रवृत्ति को डेवलप्ड करेंगे। छात्रों की भावात्मक कठिनाइयों को सही करना, कार्य अध्ययन और कौशल में कमियों को दूर करना, ये इसका रिमेडियल टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब कुछ देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रिमेडियल टीचिंग। अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट और रिमेडियल टीचिंग के बीच में अगर हम अंतर जानना चाहें, फॉर द टीचर अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट में देखें, टेल टीचर वेयर द प्रॉब्लम लाइज, यानी ये डायग्नोस्टिक टेस्ट टीचर को बताता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। फोकस ऑन प्रॉब्लम एरिया, प्रॉब्लम एरियाज पर फोकस करता है ये। इंडिकेट टीचर टू इम्प्रोवाइजिंग द टीचिंग मेथड, और ये टीचर को टीचिंग मेथड को इम्प्रूव करने के बारे में भी सिखाता है या बताता है। और स्टूडेंट्स के लिए क्या करता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, हेल्प स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरिया, यानी बच्चे को प्रॉब्लम जहाँ पर है उसकी पहचान करने में मदद करता है। प्रोवाइड फीडबैक एंड सपोर्ट, और ये जो है बच्चे को फीडबैक और सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। रिमेडियल टीचिंग देख लेते हैं, रिमेडियल टीचिंग टीचर के लिए क्या क्या करता है, हेल्प्स टीचर गिव स्पेसिफिक फीडबैक, यानी एक स्पेसिफिक फीडबैक देता है टीचर्स को। हेल्प टू प्लान द नेक्स्ट स्टेप, और अगला हम किस टीचिंग मेथड को अप्लाई करेंगे, कौन से प्लान से पढ़ाएंगे, क्या अगला हमारा स्टेप्स होगा, ये इसके बारे में हमारी हेल्प करता है। फॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए रिमेडियल टीचिंग क्या करता है, हेल्प टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, यानी बच्चा इसके माध्यम से अपने परफॉर्मेंस को जान सकता है कि उसने अच्छा किया है कि ख़राब किया है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रोवाइज, और अपने चीज़ों को सुधार लाने के लिए भी ये रिमेडियल टीचिंग उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।